तो आइएगा हम एक छोटा सा उद्बोधन सुनते हैं राजू जी मांझू की आवाज में। बोले गौ मात की, आवाज नहीं आई भाई, नींद आ रही पीछे, जोर से एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर कर, बोलिए गौ मात की। सबसे पहले गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम, और मंच पे और नीचे जो विराजमान मेरे पिता तुल्य है उनको सबको मेरा नमस्कार, माताओं बहनों भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। मैं छत्तीस कौम सभी युवा से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार पिछले दो साल से तीन साल से चल रहा है गायों की सेवा का रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस युवा टीम को जिस प्रकार ओम जी के हर वक्त कंधे से कंधे मिला के चल रही है। और मैं मेरे एक मैं ओम जी का छोटा भाई हूँ तो मेरा भी एक मन के अंदर आशा है कि मैं जिंदगी भर इनका साथ दूं और गायों की सेवा करता रहूं। और दुनिया हजार प्रकार की बातें करेंगी, ये पैसे घर लेके जाएंगे, ये ओम जी अपना घर लेके जाएंगे, चाहे 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख, आप सबको पता है कि आपके यहां पैसे आए तो आप ही यहां जमा करोगे, ओम जी साथ में नहीं लेके जाएगा। और हमारी गौशाला के अंदर जो जम्बेश्वर नगर लोहावट के अंदर गौशाला आई थी, शायद उस दिन राशि 5.25 करोड़ थी और वापस उसने जोड़ी 6 करोड़ लग गई आसपास के लोग, क्योंकि उसके बाद लोग उस दिन आए आ नहीं पाए थे क्योंकि धारा 144 किसी वजह से लगा दी थी, तो कम से कम 6.25 करोड़ रुपए आए थे वहां। तो 6.25 करोड़ रुपए किसी चलते हुए सड़क पे दारू पीने वाले इंसान को कोई नहीं देता है, ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। कहीं ना कहीं गायों के लिए दीआर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये गौ माता का पैसा एक एक रुपया गौ माता के पास जाएगा, ना कि किसी के बंगले बनेंगे, ना किसी एक रुपए का हम कभी तेल भी नहीं भरवाते इसे। वो हजार प्रकार के वो एक भाई बोल रहा है, कमेंट लिख रहा है कि ओम जी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, वो अपनी जाट समाज को छोड़कर किसी दूसरी समाज में जाके और अपनी समाज का बुराई करेगा, वो कोई अपना नहीं हो सकता है। अपने धर्म को छोड़ दिया उसने, अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में जाके किसी के कमेंट मारना। और गोम जी जहां प्रोग्राम रखते हैं ना, तो हर प्रोग्राम में वो मुकदमा करवाता, हर प्रोग्राम में। तो मैं आप जाट समाज से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा अपने समाज में दूर जाए ना तो भी अच्छा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को कि कंधे से कंधे मिलाकर ओम जी का सपोर्ट करें और ओम जी टिकाने का जिंदगी भर अपने साथ देंगे। ये गायें सबकी अपनी तो है नहीं। और मैं सभी से निवेदन, एक छोटी बात और बोल देता हूं कि जैसे फलोदी से निकलते हैं तो फलोदी वाले आवारी गायें हैं ना जितनी भी, ये प्रोग्राम रख दिया तो जितनी के 200 गायें हैं प्रोग्राम के अंदर, ये गौशाला के अंदर उतनी की सेवा करेंगे नहीं, आसपास की जितनी भी आवारी गायें उनको अपनी अपनी गौशाला में लेके आ जाए, तभी आवारी गायों का सेवा होगी। अन्यथा चाहे 5 करोड़ आओ चाहे 10 करोड़ आओ, अपन इस गौशाला का 200 गौशाला के अंदर गायें यार, अपन उसको लेके बैंक में 5 करोड़ लेके बैठ जाएंगे कि अपन बैंक में इसमें खर्चा करेंगे नहीं, ये नहीं बिल्डिंग बनाएंगे या फिर बड़े बड़े हॉल बनाने की कोई जरूरत नहीं। गाय के तीन ही चीज चाहिए, पानी घास और छाया, उसके अलावा गाय के बंगले और उसमें अंदर बड़ी मतलब फैसिलिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं गायों के लिए। ज्यादा 5 करोड़ आगे 5 करोड़ उस गौशाला में लगा दी नहीं, आसपास के कहीं भी गौशाला से फोन आ जाए भाई मेरा चारा क्रम खत्म हो गया है और मेरी गायों की बहुत दुर्व्यवस्था है, तो वहां अपनी गौशाला से 2 ट्रक वहां भिजो तो वो सेवा कहलाती है। अपनी गौशाला के अंदर 5 करोड़ रुपए आगे, मैं 5 करोड़ बैंक के अंदर डाल के बैठ जाऊंगा कि मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा, क्या पता अपन कितने साल रहे वो गाय भगवान कभी क्या हो सकता है। तो भरोसा कोई चीज का नहीं है, आप जो आए पैसे उनको गायों में लगवा दो, अपनी गौशाला में नहीं, पास के कहीं गौशाला में अव्यवस्था बिगड़ रही है, दयनीय स्थिति हो तो उसमें 1-2 लाख चारा भिजवा दो और वहां जाके चेक करो भाई इस गौशाला में हकीकत रूप है, क्यों फ्रॉड तरीके से बहुत फोन आएगी मेरे गौशाला में बहुत दिक्कतें आ रही है, वहां जाके चेक करो फिर पास के गौशाला में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, ये कमेंट आएंगे हजार प्रकार की बुराइयां करेगी भाई, 2-5 लोग 1 लाख में 2-5 लोग बुराई नहीं करेगा, अच्छे वाला कौन करेगा, वो तो उनका कार्य है बुराई करना भाई, नकली आदमी कौन हो सके, वो नकली आपकी हरकत करी आप हमने बात हम ध्यान नहीं रखनी, छोटी मोटी बात होती रहे, भगवान करे बन अपने आप भगवान बन भाई। गाया माता को प्रोग्राम है, गाय कोई सेवा करे ओम जी घर तो नहीं ले जाए,
और वहाँ प्रोग्राम पे आडी दे मुगुद मुकर हुए, तो प्रशासन ने खुद ने ध्यान है कि नहीं आओ प्रशासन बंद ध्यान है झूठो मुगुद में भाई ओम जी ने बुला पूछताछ करी वापस छोड़ दे, क्योंकि बंद ध्यान है कि भाई भी इंसान है गायंग सेवा करने वाला भाई भाई गाय को दूध पिए चाहे आई पी एस वे चाहे आई जी वे चाहे एस वी है सब गाय को दूध पिए चाहे थंडार साहब है सब गाय को दूध पिए, तो बन ध्यान है वो आदमी झूठो नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी इनका प्रोग्राम ओम जी का हो वहाँ जाइए इनका सपोर्ट करिए। वो कहते हैं ओम जी को वो कर देंगे इनको वो कर देंगे, आपका सपोर्ट होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इनको हिला सकेंगे और इनका भगवान कोई बांका बाला नहीं होने देंगे। हमारी उम्र ओम जी को लगे और मैं माता से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस घर के अंदर जो गाय है उनको तीन बढ़ाइए ना कि दो कीजिए, उनको छोड़ने की कोशिश मत कीजिए और जहाँ भी छोड़ो तो अपनी एक गौशाला में ले जाके छोड़े वहाँ छोटी मोटी जो भी रसीद है रसीद बना तो वहाँ मतलब गाय चल नहीं पाएगी। क्या होता अपने गौशाला में प्रोग्राम रखा था 6 करोड़ रुपए आगे, लेकिन आसपास के लोग हैं ना कि राजू की गौशाला 6 करोड़ रुपये आगे और हमें तो आप अगली गाय गा दा आपकी घर हूँ 6 टोड़ी गा दी हाथ टोड़ी ले आया बात बंद हो जी गौशाला कितना दिन चली पच लोग हंसी थे गौशाला चलाई 2 महीना हुआ रान तो भर ली 10,000 गाय। आप सब इस एरिया के लोग होंगे ना सबका साथ होगा तो भी गौशाला चले, एक गांव आऊ गांव को आदमी बिगाड़ने कोशिश करी नहीं तो गौशाला नहीं चलेगा। गौशाला में कोई भी प्रकार की राजनीति ना करे, सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी प्रोग्राम होता राजनीति कर रहे हैं ये भी बीजेपी नहीं बुलाए और कांग्रेस वाला कौन भी नहीं बुलाए बोने अपन कांग्रेस बीजेपी आरएलपी गाय माता सही सभी आमनी पार्टी है कोई किंग नहीं है। बीजेपी मामनो काको है कांग्रेस मान बड्डो है और आरएलपी मामनो भोग बेटो भाई है, तो क्या फर्क पड़ी भाई वो राजनीति का अलग समय राजनीति का गौशाला में कोई भी प्रकार का राजनीति ना होने दे। और मैं माताओं से निवेदन कर रहा हूं ये जिस प्रकार लोग गलत नतीजे फैला रहे हैं कि गौशाला का प्रोग्राम वो करेंगे ये माता बहनों को गहने लूट रहे हैं, माताएं आपका इच्छा हो तो देना नहीं गहने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बहुत पैसे आपके पास गहने की देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पति आपका भाई आपका माँ है आपका बाप है सब सेवा कर रहे हैं वो मैं समझ गया। लेकिन लोगों का भाई कोई कह रहे हैं कि बेचारी माँ भाई बहन पागल हो गई दे दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको देने की, कोई पैसे दे दीजिए और वहां चारा डलवा दी जरूरी आप पैसा दे रहे हो चारा डलवा दो एक ही बात है लाना तो फिर चारा ही है गायों के लिए। और मैं युवा टीम से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार लोग ओम जी की बुराई करें या कोई भी प्रोग्राम में गौशाला में वो बल्कि प्रॉब्लम डाले तो आप सब मिलके उस सॉल्यूशन को हटाए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा और जहां भी होगा तो इनके हर वक्त साथ में हर वक्त ठीक है ना। सभी को मेरा नमन सभी को मेरा प्रणाम सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर ओम जी ऊपर रहे और हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे और आपका आशीर्वाद हमारे साथ जिंदगी भर होना ये जरूरी है। धन्यवाद। बोले गौ मात की बलराम जी महाराज की बल बजरंग बली की बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जो फोन लेके खड़े हैं सेल्फियों जिंदगी निकल वाली कौन है आपको ओम प्रकाश बनना पड़ेगा हाँ इसलिए हेलो जो गलत कमेंट करता है उसका जवाब आपको देना है। मैं कभी उसको जवाब कमेंट के माध्यम से नहीं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ उसको माइक के माध्यम से। इसके पास में जो खड़े हैं साउंड के पास में थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, ये हिल रही है देखो ऊपर गिर जाएगी किसी के गिर जाएगी भाई साहब थोड़ा कागज रख जाऊ भाई ओ थोड़ा साइड में बैठ जाओ। धन्यवाद। जोड़ी की काउंटिंग हो रही है और माता बहनों ने कुछ आभूषण दे दिए जोड़ी में तो मेरी मात्र शक्तियों से निवेदन जिन्होंने दिए वो आप ऑफिस ले लें क्योंकि होम डिगड़ना किसी के गहने खुलवा के गौशाला नहीं चलाता, ना मुझे शौक है ना मुझे आदत है, जो भी देते हैं उनको मैं हाथों हाथ वापस दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य समय दिया आपने, ये जिन्होंने दिए ये वापस ले लें आप हाथ खड़ा करके एक बार वापस ले लेना, ये गुड़िया ले जाओ उसको ये ले जाओ उनको वापस दे दो जिन्होंने दिए उनको वापस लौटा दो ये उनको उस गुड़िया को दे दो, जिन्होंने अंगूठियां ये पाइचे वगैरह दिए आप सब वापस ले लो, इनके बदले में मेरी ओर से 11,000 रुपए आपके गांव की गौशाला में, इन्होंने भाई का मान रखा मेरे कहने से जो थे वो दे दिए लेकिन मैं भी आपका भाई हूं, अपनी ओर से 11,000 रुपए आपके गांव की सोहिला की गौशाला में जिन्होंने दिए उनको लौटा दें आप बस।
500 रुपए इसने अपने गले से इकट्ठे किए हैं बाबू का, बहुत बहुत धन्यवाद, एक दुपट्टा पहनाओ, ये 500 रुपए झोली में डाल दो, एक दुपट्टा पहनाओ, आपके हाथों से पहना दो, बहुत बहुत धन्यवाद, ये संस्कार है साहब। बस मेरा काम यही है, आने वाली युवा पीढ़ी सुधर जाए, नशा मुक्त हो जाए और 5-5 रुपया नशेरा भेड़ा करे जगह, रात दिन गंदी चीजें खा रिया, माने छोड़, 5-5 रुपया भेड़ा कर मेरी गौ माता को चढ़ावा चढ़ावा, आप देखना आपके घर का रौनक ही अलग हो जाएगा। एक सप्ताह आप यदि नशे की चीजें छोड़ के नशे वाला पैसा आप गौ माता को लगाना, 7 दिन के बाद में घर में पवित्र आपके परिवर्तन नहीं होता है तो प्लीज आप मेरे को कॉल करना, मैं आपके घर आऊंगा। जितने पैसों का आपने नशा छोड़ा है उतने पैसे डबल में आपके खाते में ट्रांसफर करूंगा। आपने नशा छोड़ दिया और वो पैसा आपने गौ भक्ति में लगाया, फिर आपके यदि परिवर्तन नहीं हुआ घर में तो मैं आपको डबल पैसे दूंगा, 1400 के 2800 आपके खाते में डालूंगा, लेकिन नशा आपको छोड़ना पड़ेगा। अब कोई ने खारी लागी वेला क्या नशा वाली बात क्यों करे जागरण में, करनी पड़ी साहब, आने वाली युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा गलत मार्ग पकड़ लियो है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, 2 दिन पहले आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी निंदनीय घटना हुई थी मेरता तहसील पादुकला में, बहुत निंदनीय घटना। इसलिए अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें, कुछ हिस्सा अपने गौ भक्ति में देते हैं।